नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जो आज आर्टिस्ट है हमारे फ्रांस होल्स। देखिए, फ्रांस होल्स जो नीदरलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, क्योंकि नीदरलैंड आप जानते हैं तेल के आविष्कार के लिए जाना जाता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इनका एक प्रसिद्ध चित्र है हंसता हुआ अश्वारोही, बहुत पूछा जाता है। जैसे कि अभी नेट का एग्जाम आपका पास में ही है, तो उसके हिसाब से आपका बहुत अच्छा है। इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपका आ ही जाए, आता ही है बरोक तथा रोकोको शैली में से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, फ्रांस होल्स को। चलिए लिखते हैं फ्रांस होल्स। फ्रांस होल्स, देखिए, इनका जन्म हुआ था 1582 से 1666 ईस्वी में। 1582 से 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये इनका ऊपर ही लिख लेंगे, जन्म का समय है। स्वतंत्र होलैंड का प्रसिद्ध चित्रकार, स्वतंत्र हॉलैंड का या नीदरलैंड, प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऊपर लिखा है फ्रांस होल्स, यही होंगे राइट। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे आप, देखिए, इनका प्रसिद्ध चित्र था मुस्कुराता हुआ अश्वारोही। ये तो मैं बता ही चुकी हूं। पूछ लेता है कि किसकी महत्वपूर्ण रचना थी। इसको इंग्लिश में द लाफिंग कैवेलियर, कभी कभी इंग्लिश में आपको दे देता है, खाली हिंदी आपको कहीं भी नहीं देता है। जबकि एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी लिखा रहता है, लेकिन जानते हैं क्या होता है, जो एग्जाम में आता है, अभी यूपी के एग्जाम में भी ऐसे ही हुआ है, सिर्फ एक ही वो चीज देगा और एक ही दोनों साइड डाल देगा। मतलब अगर उसने इंग्लिश दी है तो इंग्लिश को ही इंग्लिश वाले पार्ट में और इंग्लिश को ही हिंदी वाले पार्ट में डालता है, और उसकी हिंदी नहीं बना के देता है, उसको इंग्लिश में ही उसको लिख देता है। ठीक, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरह से चित्र आ जाए आपको घुमाने के लिए, उसके लिए उसका पता नहीं होता है। लिखेंगे फ्रांस होल्स का जन्म तो लिख चुके हैं, 1582 ईस्वी में कहां पर हुआ था? एंट बर्प, बेल्जियम में। जन्म स्थान एंट बर्प, बेल्जियम। बेल्जियम, ये हॉलैंड वासी डच चित्रकार ने, जो आनंदमय जीवन और प्रसन्न प्रसन्नता युक्त चित्र इन्होंने प्रचुर मात्रा में अंकित किए थे। तो चित्र अंकित किए इस तरह से लिख सकते हैं, चित्र बनाए। मतलब इनके चित्रों में अगर आप देखेंगे तो एक स्माइल, मुस्कुराहट एक थी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है हंसता हुआ अश्वारोही, तो ये इनके चित्रों की खास विशेषता थी कि इनके चित्रों में जो भी चित्र बने थे उनके फेस पर एक मुस्कुराहट थी, हंसती हुई चीजें इन्होंने बनाई हैं। तो ये खास पहचान होती है आर्टिस्ट की, और हर आर्टिस्ट में रहती है। ठीक है, ऐसे ही फ्रांस होल्स के बारे में कहा गया है, इन्होंने जो चित्र बनाए थे वो प्रसन्नता युक्त चित्र थे, आनंदमय जीवन के, प्रसन्नता युक्त। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक भी होती है हर आर्टिस्ट के बारे में जानने की, प्रसन्नता युक्त चित्र बहुत। और देखिए, ये बहुत ही शीघ्रता से भी चित्रण करते थे फ्रांस होल, बहुत ही जल्दी से चित्रण अपना पूरा कर लेते थे। इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुस्कुराता हुआ अश्वारोही, सर्व श्रेष्ठ चित्र, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ अश्वारोही। ठीक, मुस्कुराता हुआ अश्वारोही। तो देखेंगे ये कब बना था, 1624 ईस्वी में। कब बना? 1624 ईस्वी में बनाया गया था ये चित्र, लाफिंग कैवेलियर, याद रखेंगे। और ये बना था माध्यम ऑयल ऑन कैनवास, माध्यम ऑयल ऑन कैनवास।
कैनवास। ठीक, कैनवास पर बनाया गया था ये ऑयल के माध्यम में। ये चित्र कहां पर सुरक्षित है? बाले संग्रहालय लंदन में। इसके बारे में पूछ सकता है, बाले संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ठीक, एक इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र एक और है, जिप्सी गर्ल। दूसरा चित्र प्रसिद्ध है इनका, जिप्सी गर्ल या जिप्सी लड़की, इस तरह से आपको आ सकता है। जिप्सी गर्ल कई बार पूछा भी गया है। ये वर्ष 1628 ईस्वी में बना था, 1628 ईस्वी में बनाया गया था ये चित्र, और ये भी ऑयल ऑन कैनवास में बनाया गया है। और ये फ्रांस हॉल्स की एक अन्य प्रसिद्ध कृति ये रही है। ठीक, ये देखिए छोटा सा एक छोटे से रूप में बहुत बड़ी चीज है ये। सबसे मेन चीज है, आर्टिस्ट को जब भी पढ़ेंगे तो एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले उसका जन्म और स्थान। दूसरी, अगर नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नेट में पूछता तो मेन ही चीज है, लेकिन किस तरीके से पूछ ले उसका नहीं पता है। सबसे पहले प्रसिद्धि और विशेषता उसकी याद करेंगे, उसकी क्या विशेषता रही है, किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे फ्रांस होल्स प्रसिद्ध है अपनी मुस्कुराहट के लिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए चित्र ज्यादा बनाए हैं। ठीक, और इसीलिए उनके जो चित्र हैं, जिप्सी गर्ल है, अश्वारोही है, मुस्कुराता हुआ अश्वारोही, लाफिंग कैवेलियर, ये साफ दिखाई देता है, इनकी विशेषताएं उसमें क्लियरली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये पूरा करेंगे। इसके बाद रेम्ब्रा बॉन रॉयक को हम पढ़ाएंगे। ठीक है।